नगरी देवघर में आज प्रशासन का बुलडोजर चला। त्रिकुट हादसे से सबक लेते हुए शिवगंगा और उसके आसपास से अवैध निर्माण हटाया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रशासन का बुलडोजर, अवैध निर्माण और अवैध कब्जे पर बुलडोजर। देवघर में बाबा मंदिर के आसपास अवैध निर्माण और अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला। नगर आयुक्त के नेतृत्व में शिवगंगा के आसपास से अतिक्रमण हटाया गया, खासकर नाली और सड़क पर अवैध निर्माण को हटाया गया। आज जो हटा रहे हैं वो मूलतः रोड और नाली पर जो अतिक्रमण है उसी को हटाया जा रहा है, ताकि और आने वाले श्रावणी का मेला है, त्रिकुटी का एक बहुत बड़ा हादसा हम लोग झेल चुके हैं, तो ये सख्त निर्देश है। और इस तरह का मॉक ड्रिल लगातार अभी श्रावणी, सावन और भादो मेला तक यदि होता है तो लगातार 4-5 दिनों के अंतराल में चलेगा। त्रिकुट हादसे से प्रशासन ने सबक लिया और 2 हफ्ते पहले बाबा मंदिर में मॉक ड्रिल किया गया, लेकिन अतिक्रमण के कारण न एम्बुलेंस न ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी बैद्यनाथ मंदिर तक पहुंच सकी, जिसके बाद डीसी ने इलाके से अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया था। 2 सप्ताह पहले यहाँ पर आपदा प्रबंधन के तहत फायर ब्रिगेड का मॉक ड्रिल हो रहा था, न फायर ब्रिगेड जाम के चलते और अतिक्रमण के चलते मंदिर तक पहुँचा और न ही एम्बुलेंस पहुँचा। बाबा मंदिर के आसपास अतिक्रमण से न सिर्फ श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है, बल्कि अगर कोई अनहोनी हो जाए तो राहत और बचाव कार्य मुश्किल होगा। यही वजह है कि प्रशासन ने श्रावणी मेले तक अतिक्रमण हटाओ अभियान को जारी रखने का फैसला लिया है। न्यूज 11 भारत के लिए देवघर से दीप नारायण के साथ अमरनाथ पाठक की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।